भाई वो बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम यूट्यूब का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरम्भ होते हैं 100 रुपये से और इंटरनेशनल प्लान्स आरम्भ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है, उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे श्री केजरीवाल पर और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, राहुल गांधी पर। हमारे साथ हैं परिचर्चा के लिए आज विजय सरदाना जी। स्वागत है आपका विजय जी। सर नमस्कार। आपके प्रिय मित्र केजरीवाल जी जो है, वो तो अपनी बेल एप्लीकेशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और उनके दूसरे प्रिय मित्र जो हैं वो संजय सिंह, वो बाहर आ गए। तो ये संजय सिंह के बाहर आने से केजरीवाल जो हैं वो प्रसन्न है या रुष्ट है? सर ये सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको मेरा प्रणाम। सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि राजनीति है, और राजनीति में कोई भी आदमी कॉम्पिटिटर नहीं चाहता है, और इनफैक्ट बिजनेस में भी कोई नहीं चाहता है, दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं चाहता है। तो अब केजरीवाल साहब को ये लग रहा था कि सब अंदर हैं, अब पार्टी मेरे कंट्रोल में है, सरकार मेरे कंट्रोल में है, अब मैं डिसाइड करूंगा कि किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाना है। और अगर मजबूरी हुई, और उनको भी पता है कि गैर कानूनी काम वो कर रहे हैं जेल में बैठ के, अभी तक वो एज ए CM उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, ये बहुत ही, अगर मैं ये कहूं कि लीगली ना सही, मॉरली और एथिकली सबने इसको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब क्या होगा जब संजय सिंह बाहर आ गए। और ये केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उनके हाथ से या तो सरकार जाए या पार्टी जाए। और अगर गलती से उन्होंने संजय सिंह को सरकार का नेता बना दिया या पार्टी का मुखिया बना दिया, तो केजरीवाल साहब के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। और जब तक संजय सिंह जेल के अंदर थे, केजरीवाल को यह गुमान था कि चलो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब जेल में बैठ के वो मैनेज कर नहीं पाएंगे, और इसीलिए संजय सिंह ने पूरे जोर शोर से अपना अभियान शुरू कर दिया है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे रैलीज हो, चाहे जो मर्जी। तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, सुनीता जरूर उनकी वाइफ हैं, लेकिन मैं नेता हूं और मैं ही पार्टी को कंधा दे सकता हूं, सहारा दे सकता हूं, और मेरे अलावा कोई नहीं है। तो जो रफ्तार से और एग्रेशन से उन्होंने कार्रवाई शुरू करी है, इससे तो बहुत क्लियर है कि जो केजरीवाल का प्लान था वो फेल हो जाए। जी, तो फिर आगे कैसे चलेगा, ये झगड़ा होगा? सर आगे झगड़ा तो होगा, क्योंकि आज से पहले भी हुए हैं। अब क्योंकि कोई बचा नहीं था प्रतिद्वंदी सिस्टम में, और सब लोगों को केजरीवाल ने अपने जो भी चैलेंजर बचे थे, 2-4, वो भी राजदार चैलेंजर के साथ साथ ये लोग अंदर की बात भी जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल के पास इतनी हिम्मत या क्षमता होगी कि वो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन को किसी भी बात पे नाराज कर सके, क्योंकि केजरीवाल के सारे अंदर के राज ये 4 लोग जानते हैं। और इसीलिए कभी भी, जब ये जेल में गए, कुछ भी हुआ, केजरीवाल ने कभी भी इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और ना ही कभी क्रिटिसाइज किया कि इन लोगों ने गलती करी, ये नहीं करना चाहिए था। आज तक उन्होंने इस बात को नहीं कहा।
इसका मतलब ये है कि ये चार लोग किसी भी रूप में केजरीवाल को खतरा दिखते हैं और वो नहीं चाहेंगे कि इनमें से एक भी आदमी नाराज हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पूरा शीश महल ढह जाए। ये स्थिति आज है। और ये जो केजरीवाल जी की जो 6 गारंटीज हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर वो तो फ्री बीज ही है ना, उनकी तो गारंटी बहुत सिंपल होती है कि मैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सर्विस, फ्री दिस, फ्री दैट, उस पर गारंटी क्या है? कोई उन्होंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं जिससे देश के विकास की बात हो। उन्होंने तो वोट बटोरने की गारंटियां दी है, देश के विकास की गारंटी नहीं है कि मैं इंश्योर करूंगा कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मैं इंश्योर करूंगा कि रिसर्च बढ़े, मैं इंश्योर करूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स आए, ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। ये गारंटी तो वोट बटोरने की है कि अगर आपने मुझे वोट दे दिया तो मैं आपको और रिश्वत दूंगा। ये सीधी सी बात, ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग है, पॉलिटिकल ब्राइबरी है, वो कोई गारंटी नहीं है सर, ये मेरा असेसमेंट। अब ये जो गारंटियां हैं इनकी, तो मैं इनको पढ़ देता हूँ एक बार, जरा इनका आप असेसमेंट करें कि अगर ये गारंटी इम्प्लीमेंट होगी तो देश का क्या होगा। पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों को फ्री बिजली देंगे, हर गांव में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट की तर्ज पर MSP दिलवाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिलवाएंगे। सर देखिए, जहां तक बात है 24 घंटे बिजली की, तो देखिए जब बिजली के प्लांट लगेंगे, पावर प्लांट लगेंगे, तो आप बिजली तो स्टोर कर नहीं सकते, तो 24 घंटे तो देनी ही पड़ेगी, वो कोई भी सरकार देगी। जब आपका इन्वेस्टमेंट पावर में हो रहा है, आज बिजली नहीं देने का कारण अगर आप समझें तो दो ही है, या तो पावर जनरेशन नहीं है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। जब मोदी सरकार ने ऑलरेडी हर गांव को बिजली पहुंचा दी, अब उसके आगे घरों तक कनेक्शन पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज है जो रिटेल लेवल पे होना है। अब वो राज्य सरकारें कितना जल्दी करती हैं, ये राज्य सरकारों को सोचना है। तो 24 घंटे बिजली तो कोई बहुत बड़ी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी देश में हर सरकार का एजेंडा है। जैसे जैसे सरकारें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगी पावर सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एफिशिएंट होगा, सबको बिजली मिलेगी, क्योंकि बिजली के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप बिजली को स्टोर नहीं कर सकते एक लिमिट से ज्यादा। घर में तो आप इन्वर्टर में, बैटरी में स्टोर कर लोगे, लेकिन जब पावर प्लांट से बिजली बनेगी उसको कहाँ स्टोर करोगे? तो स्टोरेज का कोई ऑप्शन बिजली में होता नहीं, तो देनी ही पड़ेगी और हर सरकार देगी। केजरीवाल ना भी बोले तब भी मजबूरी होगी कि बिजली का कंजम्पशन बढ़े क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाया, तो वो बात तो कोई उसमें पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं। रही बात कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए, अब ये कौन सी सरकार ने नहीं चाहा? हर आदमी ये बोलता है भाई स्कूल, हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको आप मोहल्ला क्लिनिक बोल के अपना ब्रांडिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हर गांव में वो होना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि उस हेल्थ क्लिनिक सेंटर में या हेल्थ सेंटर में आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है। आपके स्टेट्स में आपने जितना पैसा हेल्थ केयर की दवाइयों में देना चाहिए था वो आपने फ्रीबीज में बांट दिया, जहां आपको फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए थी वहां भी आपने लॉलीपॉप बांट दी, क्योंकि वहां आपको पता है वोट बैंक मिलना है। तो वो भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपके पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाने का पैसा होगा और डॉक्टर अपॉइंट करने का पैसा होगा और दवाई देने का पैसा होगा, आप कर लेंगे। तो केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि वो रिसोर्स जनरेशन कैसे करेंगे अपने एजेंडा को पूरा करने में, सिर्फ ये कोरी हवाबाजी है कि साहब हम कर देंगे। हर सरकार चाहती है, कौन नहीं चाहेगा? ऐसा तो है नहीं कि ये कोई यूनिक आइडिया लेके आए केजरीवाल, ये तो 75 साल से हर देश के अंदर कहा गया, ये तो भाई हेल्थ इज ए बेसिक फंडामेंटल राइट, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इसमें नई बात क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रिसोर्सेज नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, पैसा नहीं था, दवाइयों को पहुंचाने का पैसा नहीं था। जिस दिन पैसा हो जाएगा हर सरकार कर देगी, तो केजरीवाल साहब ये तो बताएं कि पैसा कहां से आएगा। फिर रही बात स्वामीनाथन कमीशन आयोग पे हम MSP देंगे, तो भाई पंजाब सरकार आपके पास है, शुरू कर दो, आप क्यों नहीं कर रहे? कहने का मतलब यह है कि आपके पास राज्य सरकार है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपके पास है, आपने पंजाब में तो किया नहीं, आप पूरे देश को झूठा आश्वासन दे रहे हो।
मनमोहन सिंह जी ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, उनको पता था कि ये रिकमेंडेशंस गलत हैं। मैं आज दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि स्वामीनाथन जो रिकमेंडेशंस हैं मैंडेटरी एमएसपी की, ये किसानों को बर्बाद कर देगा, देश को बर्बाद कर देगा। इसके पीछे कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला दे दिया स्वामीनाथन साहब ने। क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में कहीं नहीं लिखा है कि किस क्वालिटी को एमएसपी मिलेगा। अगर मान लीजिए बोरी के अंदर किसान आधा अनाज और आधी मिट्टी भर के ले आएगा तो क्या आप उसको एमएसपी देंगे? अगर वो दाना कीड़े लगा हुआ है, पानी में सड़ गया है, खराब हो गया है, क्या आप उसको एमएसपी देंगे? ये कहीं नहीं बताया गया। जो बी ग्रेड सी ग्रेड का माल आएगा क्या आप उसको एमएसपी देंगे? ये कहीं नहीं बोला गया स्वामीनाथन रिपोर्ट में। स्वामीनाथन रिपोर्ट इनफैक्ट देश में इनएफिशिएंसी को बढ़ावा देगी, अराजकता को बढ़ावा देगी। जिस किसान की लागत जितनी ज्यादा होगी टेक्निकली उसको उतना ज्यादा एमएसपी मिलना चाहिए। इसका मतलब जो जितना ज्यादा इनएफिशिएंट और कामचोर होगा उसको उतना ज्यादा आप इंसेंटिवाइज करोगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का फैक्टर ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो किसान मेहनत करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा रहे हैं टेक्निकली उनको कम एमएसपी मिलना चाहिए, जो इनएफिशिएंट है उनको ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि स्वामीनाथन फॉर्मूला बोलता है कॉस्ट प्लस 50%। तो बेंचमार्किंग क्या होगी? दूसरा, हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे, आप पिछले 5-10 साल में देख लीजिए कि एमएसपी मक्के का ही 10 साल के अंदर 12 से बढ़ के करीब 20 हो गया। अब हर साल आप बढ़ाएंगे मक्के का एमएसपी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्का मिल रहा है 12-13-14 रुपए, आप इसको 5 साल के अंदर 30 रुपए ले जाएंगे। हर साल अगर 1-1 रुपए भी बढ़ाएंगे तो 25 रुपए ले जाएंगे, बाजार में मिल रहा है 15 रुपए। तो मैं आयात करूंगा या हिंदुस्तान के किसान से मक्का खरीदूंगा? फिर आपको इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, कस्टम ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको पूरी दुनिया के अंदर सबसे दोबारा नेगोशिएट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो आप देश के लिए समस्याएं खड़ी करेंगे और किसान का माल कोई खरीदेगा नहीं। आज भी हिंदुस्तान में 30 मिलियन टन गेहूं चावल सरप्लस पैदा होता है, उसको आप खरीद के क्या करोगे? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए मनमोहन सिंह जी को पता था कि ये रिकमेंडेशन सेंसिबल नहीं है, इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार ने एमएसपी की जो बात कही थी उसको लागू नहीं किया। ये बात सेंसिबल थी और देश के हित में थी, किसानों के हित में थी। ये बात हमें समझनी होगी, अपने आप में बहुत बड़ा विषय। अब इस पे कांग्रेस ने भी कहा है कि साहब इनका जो एग्रीकल्चर का नंबर वन जो पॉइंट है वो कहता है कांग्रेस विल गिव अ लीगल गारंटी टू द एमएसपी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर एज रिकमेंडेड बाय द स्वामीनाथन कमीशन। और फिर कहते हैं द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसईपी विल बी मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर ये करेंगे तो इसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन बजट पे क्या होगा, बजट इम्प्लीकेशन क्या होगा? सर आज की तारीख में इनका ये कहना है, देखिए सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझना। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू इक्विटी, आप पब्लिक का पैसा सेलेक्टिव वे में नहीं बांट सकते। इसका मतलब ये है कि जिस 22-23 फसलों पे आपने एमएसपी घोषित किया आप उन्हीं को देंगे। लाइफ स्टॉक सेक्टर तो उससे पूरा बाहर है, फिशरीज उससे पूरा बाहर है, हॉर्टिकल्चर उससे पूरा बाहर है। तो सिर्फ क्या ये जो अनाज उगाने वाले किसान है उन्हीं के लिए है ये अनाज दालें, मतलब कुल मिला के फूड ग्रेन्स, बाकी क्या देश के किसान नहीं है? तो अगर आप सारे देश की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जोड़ देते हैं तो करीब इस समय 40 लाख करोड़ के आसपास है उसकी वैल्यू। अब आप 40 लाख करोड़ में मान लीजिए कि कल को व्यापारी, हकीकत क्या है ना कि ये लोग व्यापार को समझते नहीं। पंजाब में भावांतरी, मध्य प्रदेश में भावांतर योजना लागू की गई थी, बाजार मान लीजिए सोयाबीन का उस समय पैसा देता था करीब सपोज आप करिए 20 रुपए, या दालों का जो भी रेट था। जैसे ही भावांतर योजना हुई सरकार ने कहा जो दाम बच गया है वो हम दे देंगे, तो व्यापारियों ने क्या कहा किसानों को, अभी तक हम तुमको 20 रुपए दे रहे थे, अब हम तुम्हें 15 रुपए देंगे, बाकी जाके सरकार से ले लो। तो कल को व्यापारी बोलेगा 10 रुपए मैं देता हूं, भावांतर योजना है ना, बाकी खर्चा सरकार को उठाना है। सर
2 साल के अंदर मध्य प्रदेश सरकार को स्कीम बंद करनी पड़ी, दिवाला निकल गया था। क्या समझते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो क्या इनसे ज्यादा नालायक है या इनसे ज्यादा समझदार है, कौन सी गलतफहमी में? तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एमएसपी की गारंटी ले लोगे तो मैं तो बहुत बढ़िया है, मैं तो खरीदूंगा ही नहीं। अब सरकार खरीदेगी एफसीआई में, एफसीआई में आप रख लीजिए, दालें खरीदी नेफेड ने, जिस रेट पे दालें खरीदी उससे सस्ते रेट में ऑक्शन करी, मेरे लिए तो आराम हो गया ना सर कि अब तो मैं प्रोक्योरमेंट करूंगा ही नहीं, मैं तो बैठा रहूंगा आराम से, जब मुझे चाहिए होगा नेफेड और एफसीआई से जाके मेरी जरूरत के हिसाब से ले लूंगा, मैं मार्केट में क्यों उतरूंगा, मैं काय को इन्वेंट्री बिल्ड करूंगा, क्यों खर्चा करूंगा, जब मुझे पता है कि मुझे एमएसपी के नीचे मिलना ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और एमएसपी के ऊपर तो मैं कभी भी ले सकता हूं, तो मैं काय को दौड़ के मंडी जाऊंगा, मैं तो आराम से बैठूंगा। सब व्यापारी, सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने घर पे बैठेंगी, सारी खरीदारी की जिम्मेवारी होगी एफसीआई और नेफेड की, वो खरीदेंगे एमएसपी पे, उस पे 40% हैंडलिंग कॉस्ट आती है, खर्चा स्टोरेज करप्शन सब मिला के 40% ओवरहेड होता है। उसके बाद अगर नेफेड मुझे बाजार के हिसाब से या उससे 2 रुपए सस्ता नहीं देता है तो मैं नहीं खरीदूंगा नेफेड से, मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात कर लूंगा, फिर तो मेरे लिए तो आराम हो गया। मरा कौन? भारत सरकार। आप खरीद के 40 लाख करोड़ का अगर माल नहीं खरीदते, आपने गारंटी दी है तो कोर्ट केस होंगे, सब सरकार नहीं खरीद रही, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी आप खरीदो, पैसा है नहीं, तमाशा हो जाएगा इस देश में। तो एक बार होने दीजिए, मुझे लगता है कि कभी कभी ना होने दीजिए, फटने दीजिए एक बार ये गुब्बारा, फिर देखते हैं खेल क्या होता है, ये अपने आप ही कहेंगे यार हटाओ इसको। नहीं, आपने ऐसा कहा, मैंने हर सेक्टर में देखा, इनके पास स्टेट गवर्नमेंट है तो वहां क्यों नहीं लीगल गारंटी दे देते, बल्कि पंजाब में इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी थी वो ये प्रॉमिस करके आई थी अपने मैनिफेस्टो में। सर ये सब झूठ बोलते हैं, इनको भी पता है इनके बस की बात नहीं है किसान को मूर्ख बनाना है, और हिंदुस्तान का किसान मूर्ख बनने को तैयार है। जो हमारे किसान नेता हैं वो सबसे बड़े दुश्मन है भारत के किसानों के। इनमें से बहुतों का ईगो हर्ट होगा, बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन जितना किसानों को मिसलीड किसान नेताओं ने किया है और किसानों की बर्बादी का कारण वो बने हैं, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। जितने नेता आते हैं किसान नेतागिरी करके, अल्टीमेटली वो एमएलए और एमपी के टिकट पे निगाह होती है, और उनको कोई लेना देना नहीं है किसानी से। उनका अल्टीमेटली पर्पज है कि किसान की भीड़ इकट्ठी करो, दुनिया को दिखाओ कि मैं कितना बड़ा नेता हूं, और फिर पॉलिटिकल पार्टी से बार्गेन करो कि भैया एमएलए की टिकट दे रहे हो या एमपी की या राज्यसभा, अब इतना बता दो, या किसी बोर्ड में या किसी कमीशन में मेरे को कोई कुर्सी दे रहे हो। इसके अलावा किसान नेताओं का कोई एजेंडा नहीं है, दौड़ दौड़ के जाते हैं ना मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाने, क्यों जाते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं भारत के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को? क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा है, इनको किसान से कोई लेना देना नहीं। और अनफॉर्चुनेटली किसान इस धोखे में रह जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया आएगा वैसे वैसे ही नेताओं की नेतागिरी कम होगी, क्योंकि किसान को दूसरी साइड की बात भी समझ में आएगी। अभी तो यही बोलते थे, किसान तक खबर नहीं जाती थी, अब सोशल मीडिया है, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा गाँव तक जाएगी, लोग उसको अगर देखेंगे, समझेंगे, आपस में चर्चा करेंगे तो दे विल बिकम मोर लॉजिकल, मोर सेंसिबल। अभी तक तो किसान को नेता जैसे गुमराह करता था, वो बेचारा फंस जाता था। इसीलिए किसान बर्बाद है इस देश का, कि हर आदमी ने उसका शोषण किया है, इंक्लूडिंग नेताओं ने, और सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही किया है, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, उनके लिए किया कुछ नहीं। अब ये स्थिति हमारे सामने है, अब देखते हैं भारत का किसान कब तक जागेगा। जी यार, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जो कि मेरे हिसाब से जो ये आम आदमी पार्टी का भी मैनिफेस्टो बनेगा ही, क्योंकि दोनों लोग साथ में लड़ रहे हैं चुनाव, कम से कम दिल्ली में तो, और हरियाणा में भी। तो इसमें जो है, इन्होंने तरह तरह के वायदे किए हैं। एक सबसे पहले तो इन्होंने बात की यही है कि साहब देर इज़ नो प्लेस फॉर मेजोरिटेरियनिज्म इन इंडिया। इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो शायद ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी, देर इज नो प्लेस फॉर मेजोरिटी इन हिज स्कीम ऑफ थिंग्स, इज दैट करेक्ट? उनका ये कहना है कि हिंदू इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी सीधी बात वो ये कहना चाह रहे हैं।
मेजोरिटी में कौन है? हिंदू कम्युनिटी। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए यार, मेरे लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स आज भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उस हिंदुइज्म को आप नहीं तोड़ सकते तो इसलिए मैं हिंदुओं में कास्ट डिवाइड करूंगा, ये इनका एजेंडा, डिवाइड एंड रूल। ये आज भी अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने अनशन किया था कि हिंदुस्तान में कास्ट सेंसिस नहीं होंगे, इससे डिवाइड बढ़ेगा। इन्होंने कहा नहीं, हम कास्ट सेंसिस कराएंगे। ये तो गांधी जी है ना, मॉडर्न गांधी है। तो इनका एजेंडा बहुत क्लियर है, झगड़ा सारा कुर्सी का है सर। इनको क्या लेना देना है मेजोरिटी में या किसी पे? आज अगर हिंदू इनको वोट दे देंगे, हिंदू अच्छे हो जाएंगे, इनको क्या है सर? पॉलिटिकल पार्टी बरसाती मेंढक होते हैं सर। जैसे ही चुनाव आता है सब अपना अपना रंग दिखाने लगते हैं, अगर ये हार जाएंगे तो फिर ये दूसरी डब्ल्यू की बात देंगे, तो ये तो चलता रहेगा। इसीलिए इनको अपने जो कोर वोट बैंक है, जो इनसे अभी छिटक रहा है, उनको ये बताना जरूरी है कि भाई देखो, माइनॉरिटी इज स्टिल इंपॉर्टेंट, मेजोरिटीज्म को लेके आई एम नॉट कंसर्न, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस देश के लिए, आप इंपॉर्टेंट हो। तो ये सीधी सीधी बात, अभी ये नहीं कह सकते कि हम माइनॉरिटी अपीजमेंट करेंगे, तो इन्होंने उस कॉइन को फ्लिप कर दिया है। पहले कहते थे भाई माइनॉरिटीज आर इंपॉर्टेंट, अब इन्होंने कहा कि मेजोरिटीज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। बात क्या हुई सर? तो ये कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही ये माइनॉरिटी की बात करेंगे, बीजेपी इनकी गर्दन पकड़ लेगी और फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर वो हिंदुत्व का राग चलेगा, फिर बीजेपी को खुला मैदान मिल जाएगा, राम मंदिर और अयोध्या काशी सब मुद्दे उठ के सामने आ जाएंगे। इनको डर है, इसीलिए इन्होंने माइनॉरिटिज्म का वर्ड यूज नहीं किया। ये गेम है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है सर। इन्होंने एक और भी बात कही है कि साहब के वो आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है वो 50% से बढ़ा देंगे। वो ये कैसे होगा? अगर आप देखें तो ये भी कहा है उन्होंने कि साहब के उसको वो 9th शेड्यूल में डाल देंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सक्सेसिव सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो आर्टिकल 14 है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर आप अमेंड कर नहीं सकते, और आर्टिकल 9th शेड्यूल में डालने का मतलब होता था कि उसको आप जो है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। ये स्थिति भी बदल गई। आपको ध्यान हो एक आईएल कोयलो वाला जजमेंट था 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, और उसने इसी मुद्दे पर जब जजमेंट दिया था तब उसने ये कहा था, मेरे ख्याल से 2008 की बात है, और उसने ये कहा था कि भाई 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ डाला जाएगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट पर एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने ये कंसेशन दे दिया था कि केशवानंद भारती, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, उसके पहले के जो जजमेंट, उसके पहले के जो लॉज हैं वो इम्यून रहेंगे, लेकिन केशवानंद भारती के बाद के जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एग्जामिन होंगे। रिजर्वेशन जो है वो एक्सेप्शन है। 50% की सीलिंग इसीलिए लगाई गई थी कि कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में, कि भाई एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम द रूल। ये एक्सेप्शन है इसलिए इसको 50% से नीचे रखना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये अमेंड करेंगे और अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50% करेंगे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा आई तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देगी। क्या कंफ्यूजन है सर? देखिए, कुल मिला के बात बहुत सीधी सी है कि हिंदुस्तान में मेरिट पे हमें ध्यान नहीं देना। अभी तक जो हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे 91 से पहले तक, हम क्या कर रहे थे कि हिंदुस्तान से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा? आप इनके जितने भी देख लीजिए रिजर्वेशन से रिलेटेड, मैं बहुत खुश होता अगर ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाएंगे ताकि लोग सक्षम हो, अपनी काबिलियत से आगे बढ़े और उनको जो भी सुविधा चाहिए वो हम देंगे। आप फ्री एजुकेशन दो, कोई दिक्कत नहीं। आप उनको फ्री स्किल डेवलपमेंट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
जो लोग काबिल हैं देश के, समाज के, वो भी तो देश के रिसोर्स ही है ना सर। उनकी क्या गलती है अगर उनकी कास्ट कुछ और है? अगर एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गया और वो अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, या एक शेड्यूल कास्ट फैमिली में पैदा हो गया वो एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है, तो उन दोनों में क्या गलती है? दोनों बराबर है ना, दोनों को अपनी क्षमता के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, हम सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी पे ध्यान देंगे, बाकी देश की जनता से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी क्षमताओं पे ना उनकी काबिलियत पे हमें भरोसा है, तो फिर आप देश कैसे डेवलप करेंगे? ये कौन से न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं सर? अगर आपको लगता है कि किसी क्षेत्र के अंदर आपको सपोर्ट करना है, तो आपको उसका फाउंडेशन मजबूत करिए ना। आप फाउंडेशन में जितनी मेहनत करना चाहिए आप करिए। आप एक क्यों, आप 10 स्कूल खोलिए गांव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर स्कूल के टीचर, 5 बच्चों के बीच में एक टीचर बैठाइए, ताकि वो गांव के बच्चे ग्रूम होके वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बने। किसने रोका है? लेकिन ये कहना कि नहीं, हम सिर्फ रिजर्वेशन के आधार पे ही अपॉइंटमेंट्स करेंगे या जॉब क्रिएशन करेंगे, कॉम्पिटेंसी नहीं देखेंगे, तो सर फिर हिंदुस्तान में कौन रुकना चाहेगा? या जो बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान से लोग बाहर चले जाते हैं, तो उसमें तो मुद्दा कुछ और हो जाएगा फिर। वो तो तो प्राइवेट इस सेक्टर बात में भी को लाना चाह लेकर रहे हैं, प्राइवेट सर, सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर क्यों भी। इन्वेस्ट, इन्होंने जब किया था प्राइवेट सेक्टर में, हम जब इंटरव्यू करते हैं हम कोई कास्ट देखते हैं? हम तो सीवी भी नहीं देखते, हमें तो उसका पता ही नहीं होता वो किस कास्ट का, किस रिलीजन का, कौन। सर मैं फैक्ट्री चलानी है, मुझे बाजार में कॉम्पीट करना है। मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा अगर मेरे सामने कॉम्पिटिशन में लड़का बैठा है, वो कॉम्पिटेंट है, मुझे उसकी कास्ट से क्या लेना देना है? मुझे तो वो रिसोर्स चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। क्यों लोग प्राइवेट सेक्टर में प्रीमियम सैलरी देते हैं एक टैलेंट को? क्योंकि उनको पता है कि देश को या कंपनी को चलाने वाले यही लोग हैं, नेता नहीं है। आज अगर मान लीजिए कि टाटा ने स्टील प्लांट चलाना है, तो उसमें किस नेता को प्लांट चलाना आता? उसको तो पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाना है, और कानून बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको तो सब साइन करना है। यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, यू आर नॉट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो अगर मान लीजिए कि आपका रोल है कि भाई जनता ने, ये 5 लाख लोगों ने मिलकर कहा यार हमारी तरफ से ये आदमी साइन करेगा, बस होगी बात खत्म, उतना ही काम उसका है। चाहे वो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, उससे मतलब नहीं है। जनता को लगता है यार ये आदमी ठीक ठाक है, इसी को भेज देते हैं, ये जाके वहां अंगूठा लगा लेगा, साइन कर देगा, जो करना है पार्लियामेंट में कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश चलाने की जिम्मेवारी तो प्रोफेशनल्स की है, और अगर ये नेता ही सब कुछ चला सकते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को छुट्टी कर दो और चला ले देश, इनको घर भेज दे, ब्यूरोक्रेसी को 2 महीने के लिए घर भेज दे। देखिए आज केजरीवाल जेल में है, दिल्ली सरकार चल रही है ना, आप सारे ब्यूरोक्रेट्स को 1 महीने के लिए घर भेज दो, और फिर नेताजी केजरीवाल को बोलो दिल्ली चला ले, चल जाएगी दिल्ली। ये पॉलिटिकल क्लास को गलतफहमी है कि ये देश चला रहे, इससे बड़ी गलतफहमी हो नहीं सकती। समस्या इस बात की है कि हम हकीकत जानना नहीं चाहते, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो वही राजनीति है, इसके आगे कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि भाई हम लेबर फोर्स में हम जेंडर इक्वलाइजेशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम डाइवर्सिटी कमीशन बनाएंगे, DEI वाली जो पॉलिसीज जो चलती हैं विदेशों में उनको लाएंगे, और साथ में कह रहे हैं कि साहब हम 30 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे, और साथ में कह रहे हैं कि साहब हम हाई ग्रोथ भी करेंगे। तो ये तो सारी की सारी जो बातें हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। सर ये सब पॉलिटिकल है, क्या है, अब देखिए 30 लाख जॉब दीजिए, जरूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 30 लाख लोगों में से 10 लाख लोग करप्शन भी करेंगे। आप क्या बोलते थे कि भाई छोटा गवर्नर हो, मतलब गवर्नमेंट हो और गवर्नेंस अच्छा हो? आप कहते नहीं, हम गवर्नमेंट बड़ी करेंगे, गवर्नेंस की चिंता नहीं है। तो 30 लाख लोगों की नौकरी आप दोगे, क्या गारंटी है वो काम करेंगे? पहली बात। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या करप्शन बढ़ेगा या घटेगा? फिर हर आदमी, आपने 30 लाख में से अगर 10 लाख इंस्पेक्टर पैदा कर दिए, तो 10 लाख तो समस्या बढ़ा दी ना देश की। कौन सा इंस्पेक्टर बगैर पैसे लेके काम कर रहा है सर? मैं तो आज तक नहीं मिला किसी से।
आज भी मोदी सरकार में भी करप्शन चल रहा है ना ग्राउंड पे, कौन बोलता है नहीं चल रहा है? आप किसी भी कंपनी से पूछ लीजिए, आपको चार पेड़ कटवाने हैं, पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो लीगल है, एज पर लॉ आप कर रहे हो, क्योंकि आपका कानून ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेक्स ऑफिसर हैज ए डिस्क्रिशनरी पावर टू परमिट और नॉट, वो डिस्क्रिशन की कॉस्ट है। पर पेड़ 1 लाख रुपए मांगा जाता है सर, ये एनसीआर की बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए पर पेड़ रिश्वत है। जी हाँ, काटने की परमिशन के लिए। हाँ, और काटने के बाद जो लकड़ियां कटती हैं पेड़ की, वो भी उन्हीं के ठेकेदार आके उठा के, वो भी ऑक्शन होता है, वो भी वही बेचते हैं। मतलब आपका रिसोर्स है, आपने आप भाई आपके पास प्लॉट है, आप वहां नहीं रहे, आपको वहां फैक्ट्री बनानी है, आपने किसी से जमीन खरीदी, आपको वहां पे फैक्ट्री बनानी है, अब पड़े पड़े अपने आप पेड़ बड़े हो गए, आपने उगाए तो नहीं। अब आप कहोगे यार यहां मैंने जमीन खरीदी है फैक्ट्री के, आप पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन आप उसको इंडस्ट्रियल एरिया बोल रहे हो। आप मजे की बात देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में जो पेड़ लगे हुए हैं, अगर वो प्लॉट में अगर मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा या इंस्टीट्यूशन नहीं बनाऊंगा, तो मैं जमीन किस लिए ले रहा हूं? आपने अगर जमीन ले ली और उसमें अगर 5 पेड़ भी हैं, तो साहब वो पेड़ नहीं काट सकते, अब आप फैक्ट्री कैसे लगाओगे मुझे बता दो। ये हाल है इस देश के कानूनों का। मोदी साहब जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रहा है, एनजीटी जो बार बार जजमेंट दे रहे हैं, एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, अरे एनवायरमेंट इज ए बिग करप्शन एरिया टुडे इन इंडिया। कोर्ट को ये समझ में नहीं आती बात? आप गाइडलाइन बनाइए ना कि भाई अगर इंडस्ट्रियल एरिया आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो वहां के पेड़ काटने की आपको परमिशन नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, पर पेड़ के हिसाब से सरकारी अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराइए, और फिर सरकार पेड़ लगाएगी। अब आप कहते हैं नहीं, आपने पेड़ अगर काटा है तो आपको जमीन ढूंढो, पंचायत के पास जाओ और वहां 10 गुना पेड़ लगाओ। अरे एक विदेशी इन्वेस्टर आ रहा है, वो किस पंचायत को जानता है? फिर वो क्या करेगा? कंसल्टेंट को हायर करेगा। वो कंसल्टेंट गए, जी ऐसा है परमिशन के लिए मुझे ऑफिसर को इतने पैसे खिलाने हैं। वो फॉरेन इन्वेस्टर आके अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है कि यार मैं कहां फंस गया, मोदी जी तो बोलते थे मेरे देश में करप्शन नहीं है, ये क्या हो रहा है? और फिर अगर आप उसको नहीं खिलाते हो, तो उसी एरिया में उसी आदमी का एक कोई एनजीओ जाके PIL फाइल कर देगा, जी पेड़ काटे जा रहे थे, ये पूरा रैकेट है। और फिर कोर्ट स्टे दे देगा, बन गई आपकी फैक्ट्रियां। ये पूरा खेल है सर, ये करप्शन इज ए रैकेट, ये ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, सब मिले हुए हैं, सबका हिस्सा है। तो ये समझनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी कहते हैं भैया यही इकोनॉमी बढ़ाऊंगा मैं, करप्शन इकोनॉमी डेवलप करूंगा, इसीलिए एजेंडा है। एक जो रेवोल्यूशनरी अनाउंसमेंट किया है, वो इन्होंने कहा है कि साहब की हम बेल लॉ को कह रहे हैं कि साहब की हम उसको रिलैक्स कर देंगे, और कह रहे हैं कि PMLA और UAPA को हम अबॉलिश कर देंगे। कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। सर PMLA ये कर ही नहीं सकते, PMLA इनकी मजबूरी थी लाना। PMLA लाए क्यों ये? क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी का पार्ट, FATF की मजबूरी है। जिस दिन इन्होंने PMLA लॉ एबॉलिश कर दिया ना, भारत को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा FATF। पूरी दुनिया में ये कहा जाएगा कि भारत आतंकवादी और करप्ट लोगों की फंडिंग का गढ़ है। राहुल गांधी साहब को कुछ पता नहीं है, सॉरी टू से, उनको कोई गाइड भी नहीं कर रहा, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं शायद आज तक न्याय यात्रा के चक्कर में। ये इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है राहुल गांधी के, लाई तो कांग्रेस ही थी ना। तो कहने का मतलब क्या है सर? ये कहने वाली बातें हैं, इनको कुछ पता नहीं है, सत्ता में रहे नहीं है, पूरा का पूरा राजनीति कर रहे हैं, देश को मिसलीड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट इस देश का ये है कि हमारे नेता पढ़ते नहीं और जनता उन पे भरोसा कर लेती है। एक हमारे मित्र हैं संक्रांत सानू जी, गरुड़ पब्लिशर्स के जो है वो
मालिक हैं, उनका कल एक ट्वीट उन्होंने दिया कि भाई जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से 3 पॉइंट्स में समराइज किया जा सकता है। नंबर वन, डिस्ट्रॉय फैमिली। वहाँ LGBTQ को लीगलाइज कर रहे हैं, वो मैरिजेस कर रहे हैं, LGBTQ लीगलाइज करेंगे। डिस्ट्रॉय फैमिली, डिस्ट्रॉय सोसाइटी। सोसाइटी में आपने देख लिया कि ये रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, मुसलमानों को विशेष प्रोविजन दिया जाएगा, उनके लिए पहनावा और पर्सनल लॉ फ्री रहेगा, क्योंकि बाकी सब तो जो है वो एक रेगुलर पर्सनल लॉ फॉलो करते ही करते। और तीसरा है डिस्ट्रॉय इकोनॉमी। अब आप इसके ऊपर कमेंट करें। सर देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स है, इनको देश की चिंता नहीं है, सत्ता की चिंता है। सत्ता और देश में फर्क है। अब सत्ता के लिए जो करना है वो करेंगे। और अभी क्या है कि सर, मैं ये भी मानता हूं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है। एक अच्छी चीज जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुझे देखने को मिली है कि इन्होंने केजरीवाल की तरह फ्री घोषणाएं नहीं करी। अगर आप महिलाओं का 1 लाख का छोड़ दें, बाकी जो फ्री फ्री की जो बात होती है वो अनाप शनाप नहीं। महिलाओं के 1 लाख पे जो इन्होंने पहले कहा था, जो न्याय यात्रा में बोलते थे कि महिलाओं को, हम सारी महिलाओं को, यानी 68 करोड़ महिलाओं को, सबको जो है 1 लाख देंगे, कह रहे हैं कि हम पुअर वीमेन को देंगे। ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पॉवर्टी की डेफिनेशन भी नहीं दी है कि किस पॉवर्टी पे, कि वो आपके जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले पे जाएंगे या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे जाएंगे, ये कुछ नहीं बताया। नहीं, वो तो पूरे मैनिफेस्टो में कहीं कुछ स्पेसिफिक्स नहीं है, सब वेग टर्म्स हैं। इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, वहां पे कोई प्लान नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, क्योंकि पॉलिटिशियन अपने आप को फ्री रखना चाहता है किसी भी ऑब्लिगेशन से। वो ये चाहता है कि मेरे को बस कुर्सी मिल जाए, मेरे से मेरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो। ये पॉलिटिशियन का ट्रेट होता है कि पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, ये चाहिए पॉलिटिशियन को। और यही मैनिफेस्टो है कि यू गिव मी पावर बट डोंट आस्क मी व्हाट आई विल परफॉर्म। अब हर चीज वेग छोड़ी हुई है, टारगेट्स नहीं है, तो आखिर आप ये नहीं कह सको कि हमने किया या नहीं किया। फिर 5 साल बाद देखेंगे फिर नई टॉपिक कैसे पहनानी है। तो वो वाली बात है सर। तो जहां तक बात है देश को डिस्ट्रॉय करने का, सर जनता आज की तारीख में मूर्ख नहीं रही सर। हर आदमी अपनी, मैंने बार बार इस बात को कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, और मेरा इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो है, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक मुद्दे में कि चौथा स्तंभ भारत का, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा मीडिया को लेके, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के उस वक्तव्य पे एक वीडियो बनाया था कि चौथा स्तंभ आप किसको बोल रहे हो, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मीडिया को या सोशल मीडिया को? कौन सा है चौथा स्तंभ? एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मीडिया तो कभी चौथा स्तंभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया मनी मेक्स द मेयर गो। कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, मोदी साहब हो, जो भी हो भाई, जो दाना डालेगा आप उसी के आगे तो गाओगे, इसमें नई बात क्या है? लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसपे आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पब्लिक ओपिनियन आती है, वहां लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करता है। और अब आप देख लीजिए सोशल मीडिया में क्या चर्चा हो रही। तो असली जो डेमोक्रेसी को बचाने का जो रोल है वो सोशल मीडिया का है, क्योंकि वो क्राउड है। क्राउड मतलब पब्लिक ओपिनियन एक हिसाब से। जैसे हम स्टॉक मार्केट में बोलते हैं मतलब प्राइस कैप्चर्स एवरीथिंग, वो पॉलिसी भी होती है, बाजार में क्या उथल पुथल हुआ, कानून है क्या है, करोड़ों लोग डिसीजन लेते हैं, किसी को लगता है ये कानून अच्छा है, किसी को लगता है खराब है, किसी को लगता है मार्केट में डेवलपमेंट पॉजिटिव हुआ, किसी को लगता है नहीं डेवलपमेंट नेगेटिव है। हर आदमी अपने हिसाब से या तो शेयर बेचता है या खरीदता है। कुल मिला के जो कंक्लूजन आता है वो एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस होता है जिसपे ट्रांजेक्शन होती है। दैट कैप्चर्स एवरी फीलिंग ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। तो वही बात इस समय पॉलिटिक्स में है। जो सोशल मीडिया है, आप कुछ भी बोलिए, अल्टीमेटली जो कंक्लूजन आता है मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया का, वो पब्लिक ओपिनियन है। तभी तो लोग जो को टाइप नहीं कर पाते वो फॉरवर्ड कर देते हैं, जो बना नहीं पाते वो शेयर कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, अब ये चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन से।
जी, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो CAA रिपील करेंगे, और एक तरफ कह रहे हैं कि वो एंटरप्राइज को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अडानी और रफाल जो है उसको वो चेक करेंगे, और फिर कह रहे हैं कि इसमें एक और भी बड़ी विचित्र सी थी कि मैं एक मिनट देख के बताता हूँ आपको। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, हाउ टू बैंकरप्ट कंट्री इन 30 डेज। तो हाउ टू, ये आपके सामने रेसिपी बुक है ना। फिर कह रहे हैं कि साहब अग्निपथ प्रोग्राम को अबॉलिश कर देंगे, EWS सर विल ये बी इम्प्लीमेंटेड, सुनिए ये भी सुनिए, EWS विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल कास्ट। तो सर मेरा ये कहना है कि आप अपने राज्यों में करो ना, आपके पास स्टेट्स हैं, वहां करके दिखाओ, लोग भरोसा करेंगे। आप अपने स्टेट में तो कुछ कर नहीं रहे, सेंटर की आपको कुर्सी चाहिए, कैसे मैं भरोसा कर लूं सर? आपका अपना बच्चा आपसे संभल नहीं रहा, आप पड़ोसी के बच्चे को संभाल लोगे, तो कैसे एग्जैक्ट मैं कैसे मान लूं सर? जो बच्चे आपकी गोदी में है, जो स्टेट आपकी गोदी में, आप उनको तो संभाल नहीं पा रहे, उनमें तो ये पॉलिसीज लागू नहीं कर पा रहे जो आप कह रहे हो। आप कहते हो जो मेरे पास नहीं है वो दे दो, मैं सबको मैनेज कर लूंगा। यार अपने बच्चे को तो संभालो पहले यार, वो नहीं हो रहा, तो कह ये रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट नेशनल चलते रहते हैं। नेशनल मिनिमम वेज जो है वो 400 रुपए कर देंगे। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्होंने बोली है कि साहब की GST लॉस जो है उसको चेंज कर देंगे। अब GST लॉस तो भाई सभी की सहमति थी, उसमें कांग्रेस की भी थी, नहीं, क्या और चेंज कह करेंगे? लट रहे हैं कि अगर मैं साहब कि ये हम कहूंगी हाँ एक सिंगल रेट कर देंगे 18 रुपए का। हाँ तो कर दो फिर, आपकी दाल पे भी 18 रुपए, चप्पल पे भी, दूध पे भी, सब पे 18, किसानों की सारी सब्जियों पे 18, तो सब पे 18 हो गया ना, कर लो। फिर जो लग्जरी कारें हैं वो भी 18 पे आ जाएंगी, सिगरेट है वो भी 18 पे आ जाएगा, तो ये देश की प्रॉब्लम या क्या हो रहा है? मतलब इनको कुछ पता भी है? ये अमीरों की चीजों को सस्ता कर देंगे, गरीबों की चीजों को महंगा कर देंगे, 18% कर लो, फिर देखो क्या हाल होता है आपका दोबारा सत्ता में, बगैर सोचे समझे लोग कुछ भी बोलते। ये प्रॉब्लम है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल क्लास को अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जिन लोगों ने ड्राफ्टिंग करी है, इनका मकसद एक ही था कि यार किसी तरह से सत्ता के करीब पहुंच जाओ, बाकी देख लेंगे, एक बार कुर्सी पे आ जाएंगे फिर कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, और फिर यही कहानी सुनाएंगे कि देखिए GST इज ए स्टेट सब्जेक्ट और इसमें कुल मिला के हमें कंसेंसस बनाना है, काउंसिल है, जो काउंसिल डिसाइड करेगी वही हम मान लेंगे। फिर आप पूछोगे इनसे कि आपने मैनिफेस्टो में क्यों बोला था कि देखिए हमने तो काउंसिल को प्रपोजल दिया है कि इसको कंसिडर करो, अब काउंसिल नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? ये वहां आके बात अटक जाएगी। तो ये सब स्मोक स्क्रीन है कुर्सी के लिए और कुछ नहीं है सर। वेरी गुड। और कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट लोन्स भी राइट ऑफ कर देंगे, हम मीडिया को फिक्स कर देंगे। नहीं, मीडिया तो फिक्स करना चाहते ही हैं ये, इनको लगता है मोदी ने फिक्स कर रखा है फिर ये फिक्स करेंगे, तो फिर फ्रीडम कहाँ रहा? फिक्स ही करना है ना, फिक्सिंग गेम है ये तो। मैंने पहले ही कहा सर कि मनी मेक्स द मेयर गो, वो तो बेचारे एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मीडिया को तो पैसा चाहिए, अगर कल को कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी गालेंगे, उनका क्या है सर? मेरे को एक बात बताइए सर, जो भजन कीर्तन करते हैं, अगर आप उनको बुलाते हो सिंगर्स को अपने घर में, वो श्राद्ध में भी भजन गालेंगे, शादी के बाद भी गालेंगे, बर्थडे पे भी गालेंगे, उनको तो पैसे से मतलब है, उनको थोड़ी कि हम श्राद्ध भी गाएंगे। आप पैसे दे दीजिए, जैसा आप भजन कहोगे, आप कहोगे नहीं राम के भजन गाने हो राम के गा देंगे, आप कहोगे कृष्ण के गाने हो कृष्ण के गा देंगे, उनका क्या फर्क पड़ता है, वो तो परफॉर्मर है, तो मीडिया भी परफॉर्मर है, आप जैसा कहोगे वैसा छाप देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप कहोगे हम आपको एड दे रहे हैं लेकिन आप राहुल गांधी के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखोगे, ओके सर, और बहुत कुछ है छापने के लिए, क्या दिक्कत है, बस आप पैसा दे दो हमें एड का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मीडिया से आप क्या फेयरनेस की उम्मीद कर रहे हो? हो सकता है कभी? मुझे तो नहीं लगता। चलिए अब हम ना अंत करेंगे इस कार्यक्रम का।
और अंत में फिर से आ जाते हैं हमारे आपके प्रिय मित्र केजरीवाल के ऊपर। आप लगता है कि केजरीवाल जेल में जाने से जो पूरा मसाला है और जो वो अपने तरीके से कांग्रेस की बीच बीच में बैंड बजाते रहते थे वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया? मुश्किल तो है सर, आदमी जब कन्फाइनमेंट में है, बात नहीं कर पा रहा है, अपने दिमाग में जो उनके आइडियाज है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, लिमिटेशन है, तो चैलेंज तो है। जेल का मतलब आफ्टर ऑल रिस्ट्रिक्शन ही होता है ना, तो हर तरह का रिस्ट्रिक्शन है। और रही बात की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, अब देखिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया, आम आदमी को टाइम ही नहीं मिल रहा मैनिफेस्टो बनाने का। अब सवाल ये है कि ड्राफ्ट कौन करेगा, उसका आउटलाइन कौन देगा? तो इसीलिए केजरीवाल साहब चाहते हैं कि भैया मुझे आप थोड़े समय बाहर निकालो, मैं मैनिफेस्टो तो बनाऊं। अब समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के पास लोग ही नहीं है जो मैनिफेस्टो बना सके। पहले तो उनको डायरेक्शन कौन देगा कि मैनिफेस्टो क्या हो, फिर मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कौन करेगा, मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी अभी तक नहीं बनी इनकी, फिर वो जब बनेगा तो उसकी अप्रूवल उनको केजरीवाल से लेनी होगी, चाहे वो जेल में ही है, तो फिर वो केजरीवाल साहब को जेल में ले जाके कागज देने पड़ेंगे। कम से कम सीएम ऑफिस ना चले तो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय तो जेल से चल ही सकता है। लोग तो सीएम ऑफिस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बात कर रहा कि आम आदमी का मुख्यालय जेल से चलेगा क्या, इस पे क्यों चलना चाहिए ना। जेल उनको माफी करती है, देख रहा हूँ मैं कि जो मेडिकल बुलेटिन आया संजय सिंह का, तो संजय सिंह जब जेल में गए थे तो उनका वजन 76 केजी था, जब बाहर आए तो 82 था, तो जेल तो माफी कर रही है ना उनको। सर जेल में काम कुछ नहीं है ना, जेल में तो बकायदा टाइम पे रोटी मिलती है, खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, आपकी सेहत का ध्यान रखा जाता है, मेडिकल सुविधाएं हैं। जेल में एक ही तो रिस्ट्रिक्शन है कि आप चार दीवारी के बाहर नहीं आ सकते, बाकी तो ऐसे ही ऐसे खाओ और सो और टीवी देखो, और काम क्या है जेल में? अगर आप किताब लेके गए हो किताब पढ़ लो। अब सवाल यह है कि ये तीन किताबें पढ़ने में कितने महीने लगाएंगे? आज तक तो सिसोदिया भी अपने सब गीता लेके गया था, पता नहीं कितने पेज पढ़ पाए अभी तक, ये कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है कि मैंने इतने श्लोक पढ़ लिए या इतने पेज पढ़ लिए, वो भी एक रिपोर्ट आनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और अभी तो टाइम है, और फिर केजरीवाल साहब को पता है, और मेरे को लगता है अपोजिशन में तो देखिए ना कोई बेचैनी नहीं है। केजरीवाल साहब जेल गए हैं, राहुल गांधी ने कहा कि ये गलत हुआ, क्या किसी ने बोला कोई प्रदर्शन हुए एक दिन, वो 31 तारीख को रैली कर ली बस ठीक है, उसका सब भूल गए कि यार आपने फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था हम आ गए, और उसमें भी कांग्रेस ने बोला कि ये केजरीवाल के लिए रैली नहीं है, ये मोदी के खिलाफ है, केजरीवाल के समर्थन के लिए रैली नहीं है, ये मोदी के खिलाफ रैली है। तो वहां तो वही था कि भाई आप अपना लोकतंत्र बचाओ, वो फोकस था ना सर, केजरीवाल बचाओ थोड़ी फोकस था। और केजरीवाल वैसे भी कोई लोकतंत्र के सिंबल तो है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं है, तो ये तो बहुत स्पेसिफाइड है, इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है सर, ये तो सब जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, ये तो गेम है, जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे और नए खेल आएंगे। आइए यहीं पर हम आज की चर्चा को फिर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, विजय सरदाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार सर, वंदे मातरम।